तो दोस्तों आज सैमसंग ने गैलेक्सी 8 प्लस लॉन्च कर दिया है इंडिया में। ये बहुत दिनों से आने वाला था और बहुत ही अच्छी प्राइजिंग में ये लॉन्च किया है, तो इसीलिए इस वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद सैमसंग कुछ अच्छी प्राइज में कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और टेकी पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगा सैमसंग गैलेक्सी 8 के बारे में। जी हाँ, 8 प्लस जो कि आज लॉन्च हुआ है, 33,000 के अंदर ये लॉन्च हुआ है। जी हाँ, इसका कीमत रखा गया और ये अवेलेबल हो जाएगा अमेजन में 20 जनवरी से। जी हाँ, 20 जनवरी से ये अवेलेबल हो जाएगा, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बताया कि 8 प्लस लॉन्च हो गया है इंडिया में आज, और क्या कुछ स्पेशल है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ आपको ग्लास का फिनिश मिल जाएगा और साइड में आपको मेटल का फिनिश मिल जाएगा, और ये आता है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। जी हाँ, इन्फिनिटी डिस्प्ले जिसको सैमसंग बताता है, तो इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फोटो में देख सकते हैं जो कि 18:9 वाला रेशियो है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और 6 इंच इसका डिस्प्ले साइज है, स्क्रीन साइज जो दिया गया है 6 इंच है, और फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे आपको। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सैमसंग का खुद का ही एक्जेनोस प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, 7885 वाला एक्जेनोस प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 14 नैनोमीटर के चिपसेट के ऊपर बेस है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है। और कोर की बात करें तो 1.2 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर मिल रहा है, और बाकी जो 6 कोर है वो है 6 GHz का, 1.6 GHz का हेक्सा कोर प्रोसेसर मिल रहा है यहाँ पे। और जीपी की बात करें तो माली का G71 GPU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं रैम रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6 GB की रैम मिल रहा है, 64 GB की स्टोरेज मिल रहा है, और साथ साथ ये एक्सपांड हो सकता है 256 GB तक, और ये एंड्रॉयड 7.0 के साथ आ रहा है। और पता नहीं है एंड्रॉयड का ओरियो अपडेट कब मिलेगा, यानी कि 8.0 कब मिलेगा, लेकिन अभी जो मिल रहा है ये आपको 7.1 के ऊपर ये मिल रहा है। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ आपको 16 MP का कैमरा मिल रहा है f/1.9 एपर्चर के साथ, और जो सामने की तरफ मिल रहा है, सामने की तरफ आपको डुअल कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको सामने की तरफ दो कैमरा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोके इफेक्ट मिल सकता है, यानी कि आप ब्लॉर कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइव ब्लॉर का फीचर भी मिल रहा है। तो सामने के कैमरे की बात करते हैं तो 16:8 का कैमरा मिला है, और ये भी अपर्चर की बात करते हैं 1.9 अपर्चर पे ये बेस है। तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा बहुत ही अच्छी मिलेगा, क्योंकि डुअल कैमरा के साथ आ रहा है, और सैमसंग का कैमरा है जो कि माना जाता है बहुत ही अच्छा कैमरा रहता है सैमसंग का, और जो बोके इफेक्ट है वो भी लाइव मिल रहा है, यानी कि आप लाइव सेल्फी खींचते समय ही खींचने के बाद आपको उसको जितना चाहे ब्लॉर कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा रेंज, इतना ब्लॉर कर सकते हैं और इतना नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर मिल रहा है यहाँ पे आपको। और साथ और कुछ बात बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको डुअल सिम मिल जाता है, 4G वोल्टी मिलता है, NFC मिल जाता है, ब्लूटूथ मिलता है, वाईफाई मिलता है, सैमसंग पे वगैरह, और जो बिक्सबी है उसका AI वाला जो वॉइस असिस्टेंट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आखिर में बैटरी की बात बता देता हूँ, तो बैटरी यहाँ पे आपको 3500 mAh का मिल रहा है। तो स्क्रीन साइज को देखते हुए, यानी कि यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 इंच का फुल HD वाला डिस्प्ले, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे 6 GB रैम, बहुत ही अच्छा रैम और प्रोसेसर मिला है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग दे रहा है 3500 mAh का बैटरी, तो ये जब आएगा मार्केट में तब पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस बैटरी का कैसा है। लेकिन बाकी जो स्पेसर है बहुत ही अच्छा स्पेसर के साथ लॉन्च किया है, और जो बेस्ट साइड है इसका वो है प्राइस, क्योंकि सैमसंग भी लग गया है अभी कि उसको भी उसका फोन कितने प्राइस में छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं 45,000 50,000 के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो ये जो आया है पूरा किलर स्पेसिफिकेशन के साथ आया है, किलर नहीं बोल सकते, लेकिन ये कम्पीट कर सकता है 1+5T के साथ। Xiaomi Mi Mix जो है, Xiaomi Mi Mix काफी पीछे हट जाता है, क्योंकि वहां पे उसका कैमरा भी कुछ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कम्पीट कर सकता है 1+5 के साथ, और ऑनर का जो नया फोन लॉन्च है उसके साथ भी ये कम्पीट कर सकता है। तो अगर आप सैमसंग लवर है और सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं, तो ये फोन आपको 20 तारीख को मिल जाएगा अमेजन के ऊपर, चाहे तो जाके वहां पे बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो इतना ही, एक क्विक अपडेट था सैमसंग का 8 प्लस के बारे में, बहुत ही अच्छा फोन लगा इसलिए इसके बारे में वीडियो बना दिया, और आशा करते हैं आपको पूरा डिटेल्स मिल गया होगा कि सैमसंग का ये फोन कैसा है और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ ये आ रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस तरह वीडियो और देखना है और हमारे चैनल में नया आ गए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सोच रहा हूँ कि हमारा जो टेक न्यूज सीरीज चल रहा था पिछले, अगर मेरा पहले सब्सक्राइबर आप है तो पता होगा कि मैं पहले से टेक न्यूज दे रहा था, तो वो शुरू करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक शायद से शुरू कर सकता हूँ, तो उसी के लिए जरूर से अपडेट रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।